पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मोटू व्लॉग्स। आज हम जाएंगे सोलन, क्योंकि हमारे मैडम जी है, उनकी गाड़ी की सर्विस करवानी है, तो साथ में चल पड़ते हैं एज ए ड्राइवर। ओके, तो जाएंगे और वहां सर्विस कराएंगे, बाकी मिलते हैं आपसे रास्ते में, बातचीत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते हैं। अभी हम निकल गए हैं घर से, मतलब अब जाएंगे सोलन की तरफ। बीच का रास्ता मैं आपको दिखाता रहूंगा, बाकी मिलेंगे हम आपको सीधा सोलन में। और ये हमारे गुरु जी, मतलब मैडम जी, जिन्होंने मेरे को 6 से लेकर 8 तक पढ़ाया है और बहुत मतलब अच्छे से मतलब खिलाया, मतलब पीटीआई थे हमारे, मतलब पीटीआई है मतलब, और हमको मतलब पढ़ाया खिलाया, मतलब इनसे ही हमने खेलना और पढ़ना अच्छे से सीखा है, तो इनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू मैडम जी। तो अब हम मिलेंगे आपको सीधा सोलन में, तो ठीक है, बाय बाय। पहुंच गए हैं इस टाइम सर्विस सेंटर, तो मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद नीचे उतर इनका हैंड ओवर करेंगे गाड़ी, उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा गेट पे है, भाई ने भी फोटो वगैरह लेनी है अंदर जाने से पहले, तो देखते हैं, वेट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ओके, तो अभी तो गाड़ी सर्विस करने के लिए हमने सर्विस सेंटर छोड़ दिया, थोड़ा कॉफी पीना था, तो चाय वगैरह पीनी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक में होटल था, तो वहाँ पे आ गए। तो वहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि कोरोना के चलते वहाँ कुछ बना नहीं रहे, दे नहीं रहे, तो हमने सोचा चलो पास के होटल में चलते हैं, वहाँ जाके खाते हैं। तो अभी यहाँ चाय इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको फिर से मिलते हैं। एजेंसी के अंदर तो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कब तक हमारा पूरा होगा सर्विस का काम, तो उसके बाद हम जाएंगे सोलन में। सोलन में थोड़ा बहुत शॉपिंग तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत खरीदेंगे खरीदेंगे कुछ वॉशरूम में। भाई बाहर अपनी हिम्मत नहीं हो रही है, और यहाँ पे जो सॉन्ग चल रहा है ना मजेदार, वॉशरूम में सॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर वॉशरूम में सॉन्ग होना तो वैसे घर में भी लग जाए तो क्या बात है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं बाहर, बैठते हैं आराम से, वेट करेंगे जब तक सर्विस नहीं होती, उसके बाद आपको सर्विस के बाद मैं आपको मिलूंगा, तो ठीक है। जो बीच अब करेंगे थोड़ा सा लंच, पेट ने मारी आवाज, अब देखते हैं लंच वंच करते हैं, फिर बाकी आप एंजॉय करो खाना। बाय बाय। बैठे बैठे भूख लगी थी, सोचा खाना खा लो, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। गाड़ी भी फिनिश होने वाली है सर्विस होके, सब्जी एवन को टाइम ना लगे शायद खाना खाने का, तो सोचा टाइम से खा लिया जाए। आप भी खाओ, जाते खुना हो गया अपना, अब जाते हैं अंदर सर्विस सेंटर, दोबारा से देखते हैं सर्विस हुई है कि नहीं हुई है, फिर सर्विस होने के बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोटनाला वगैरह भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, तो मिलते हैं सर्विस होने के बाद। बाकी खाना जबरदस्त था एकदम क्या है उसको मास्क ही टूट जाएगा, तो भाई साहब बात है ऐसी, इसको चलो छोड़ो। सर्विस हो गई है पूरा, तो आज हमारे को टाइम कितना हो गया, बहुत टाइम हो गया यार, बहुत टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया देखो, दिख नहीं रहा, लगभग 3 के करीब बज गए, सुबह से 10 बजे के आए हुए सर्विस करवाने में ही, तो टाइम खाया क्योंकि बहुत सा काम इसमें करवाना था, बैटरी का भी था, डिस्क पैड थे, और भी बहुत कुछ था, थोड़ा बहुत छोटा छोटा करके बहुत काम बढ़ जाता है, तो चलो फाइनली काम हो गया है पूरा। अब जाना है वापसी घर की तरफ, और कोटानाला में थोड़ा सामान वगैरह लेंगे शायद, तो वहां देख के मैं आपको थोड़ा कोटानाला दिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब सीधा मिलेंगे हम आपको कोटानाला के पास, अभी मैम गए पर एक थोड़ा बिलिंग वगैरह करने के लिए, तो उसके बाद मिलेंगे हम आपको सीधा कोटनाला में, तो तब तक के लिए सलाम, दुआओं में रहना।
कोटानाला हम पहुंच गए। तो बस अब थोड़ा सा मैं आपको कोटानाला बाहर उतर के थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मतलब ये इस तरह का अभी चौक जो हमने पिछले वीडियो में टपा था ना, अभी वो कोटानाला चौक है जो उससे ऊपर को रास्ता गया जहाँ से हम अपोजिट कटे हैं, वो था हमारा आपका हॉस्पिटल रोड। तो अभी हम कोटानाला में आपको थोड़ा सा कोटानाला दिखा देता हूँ बाहर से, मतलब ऐसे क्लिप्स ही दिखा देता हूँ। उसके बाद मैडम जी का वेट करेंगे, वो के थोड़ा स्टेशनरी का सामान लेने और सब्जियां वगैरह खरीदने। तो गाड़ी से दूर में जा नहीं सकता, नहीं तो चलान होते देरी नहीं लगेगी भाई, तो चेपू बहुत बुरा लग जाएगा। 4-5 हज़ार का कोई पता नहीं लगता इन पुलिस वालों का, मतलब कब जैसे कितने का चेपू लग जाएगा, नो पार्किंग का नो आइडिया, इसलिए गाड़ी में बैठना पड़ेगा जब तक पुलिस वाले नहीं आते, मतलब तब तक वेट नहीं करना उनका, मतलब ऐसा बैठना है चलान से बचने के लिए बैठना पड़ेगा। तो ठीक है वेट करते हैं, बाकी मैं आपको बाहर दिखा। हमारा कोटानाला, मास्क नहीं उतार सकते भाई काम खराब हो जाएगा। तो हमारा कोटानाला था जो आपको मैंने थोड़ा बहुत अभी दिखा दिया वीडियो में, गाड़ी से दूर नहीं जा सकता इसलिए दूर सारा नहीं दिखा पाऊंगा, कभी और आऊंगा तो पक्का अच्छे से दिखाऊंगा कोटानाला भी आपको। तो अभी वेट करते हैं मैडम जी का, जैसे ही वो आते हैं उसके बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। तो मैडम जी के साथ मिलते हैं। तो मैडम जी आने वाले हैं, मतलब सब्जी सब्जी लेके सामान, पहले स्टेशनरी का सामान लेने गए थे बच्चे के लिए, तो अब आने ही वाले हैं थोड़ी देर में, अब देखते हैं वेट कर रहे हैं, जैसे ही आते हैं वैसे ही हम निकलते हैं और फिर क्या कर सकते हैं, वेट कर रहे हैं थोड़ा, देखते हैं कहाँ है, नो आइडिया। आई थिंक अभी तो यहीं था कहीं, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सी दुनिया में है। वेट करते हैं तब फिर आपसे मिलाते हैं, ठीक है। तो आ गए हैं आई थिंक मैडम जी, आगे 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 हैं। क्या चीज? नहीं, तो सब्जियां पूरी आ गई है पैक होके, रात के लिए 2-3 दिन के लिए पैकिंग पूरी टिच है अब, चावल जंक फूड कोई नहीं खा लेंगे बाद में स्पेशल। तो मैडम जी अब आ चुकी हैं और अब हम इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं यहीं पे। तो मैडम जी एक बार हाय कर दो सबको। हाय। और अगर किसी को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें आपके मोटू व्लॉग्स चैनल को, प्लीज। तो अगले आगे से मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखें तो जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक आए। तो ठीक है मिलते हैं अब अगले व्लॉग में कुछ अच्छा सा कंटेंट लेके, ठीक है, बाय बाय।